ये सब क्या है? महाराज, ये कक्ष की क्या दशा बना रखी है महाराज? युद्ध खेल रहा था। युद्ध कक्ष में? युद्ध महाराज, मैं राजवेद को बुलाती हूँ। महाराज किस लिए? मामा जी, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए कक्ष में कोई युद्ध खेलता है। मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, प्राण ले लूंगा। मेरे प्राण ले लीजिए महाराज। अब तुम्हारे नहीं। फिर किसके महाराज? उसके, वो देखो। उसके किसके महाराज? इस कक्ष में तो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं महाराज। उसके कौन महाराज? वो है ना, वो देखो तुम्हारे पीछे। कौन हंस रहा है महाराज? कृष्ण केशरी। हसमत, सब तुम्हारे कारण। आप स्वयं अपने शत्रु बन गए हैं। अब आपकी तलवार में कोई शक्ति नहीं बची है। मामा जी, समझे? आपकी तलवार से मृत्यु तो एक तरफ, मामी जी भी भयभीत नहीं हुई। आप भयभीत हुए क्या? ये क्या हो रहा है? आपको दिखा रहा हूँ मामा जी कि कैसे मृत्यु भयभीत होती है। Jesus, 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 Jes
महाराज। चलो चलो ये देखो, चलो कृष्ण ने मेरा सर काट दिया, मेरा वध कर दिया। ये देखो मेरा सर। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, सर काट दिया है? देखो मेरा सिर मेरे हाथ में है, देखो। महाराज आप तनिक प्रतिबिंब देख लीजिए। नहीं देख पाऊंगा झाड़ू, मैं स्वयं अपना कटा हुआ सर नहीं देख पाऊंगा। मथुरा नरेश आप अपना प्रतिबिंब देख लीजिए, आपका सारा भय दूर हो जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। झाड़ू मेरा सर, मेरा सर। आइए 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 महाराज, देखिए आपका प्रतिबिंब देखिए। मैं कैसे देखूं? मेरा सर तो मेरे हाथ में है। ये मेरा सर मेरी गर्दन पर तो यथावत है। अर्थात मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। हाँ महाराज आप जीवित हैं। अर्थात मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता, कोई नहीं। आप अनंत हैं महाराज, आप अनंत हैं। फिर ये कृष्ण प्रतिदिन यहाँ आकर मुझे भयभीत क्यों करता है? परंतु महाराज यहाँ तो कृष्ण आ ही नहीं सकता। महाराज ये आपका भ्रम है, आपने कोई स्वप्न देखा होगा। कदाचित तुम ठीक कहते हो झाड़ू, कृष्ण कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है? भैया छोटे, तुमने जो मामा जी की दशा बनाई है उसे देखकर मुझे हंसी आ रही है। भैया फिर भी मामा जी नहीं सुधरे, अभी अपने आप को अनंत समझ रहे हैं। अहंकार के कारण उन्हें जीवन की उचित दिशा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। छोटे मामा जी भ्रमित हुए हैं, उनका भ्रम कब टूटेगा? जब यम सामने दिखाई देगा। अब तो कृष्ण ही मेरी गवाह है।